स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्य सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं बिंदुनाद कलातीतः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढः तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा है। आज का किया हुआ मानस पूजन, किया हुआ गुरुदेव का पूजन, वर्ष भर के पूजन का पुण्य लाभ प्रदान कर देता है। मानस पूजन के पहले पहले हम भाव तैयार करें कि भरत जी ने कैसे चरण सेवा की, केवट ने कैसे भगवान के चरण प्रक्षालन किए। पहले हम पृष्ठभूमि तैयार करें, उसके बाद खुद एक भाव बनेगा। केवट का बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। भगवान सुबह सुबह केवट के पास आए। केवट के पास आकर खड़े हो गए और मांगी नाव न केवट आना कह ही तुम्हार मरम मैं जाना।
भगवान ने आते ही केवट से नाव मांगी, परंतु केवट बैठा ही रहा, उठकर न खड़ा हुआ, न भगवान को प्रणाम किया, न भगवान का अभिवादन किया, ऐसे ही बैठा रहा और भगवान को देखता रहा। आज समस्त संसार जिनसे मांगता है, आज वो भगवान केवट से मांग रहे हैं। तीन पग से जो समस्त ब्रह्मांड को माप लेने वाले ईश्वर हैं, वे आज केवट से गंगा पार करने के लिए नाव मांग रहे हैं। तो क्यों मांगना पड़ा भगवान को? संत कहते हैं कि केवट गंगा किनारे बैठा है, गंगा भक्ति की प्रतीक है, और जो भक्ति के किनारे बैठा रहता है, भगवान स्वयं उसकी संभाल रखते हैं, उसके पास आ जाते हैं। परंतु भक्ति निष्काम होनी चाहिए। निष्काम का अर्थ है जहां कोई खुद की कामना न हो, तेरी मर्जी पूर्ण हो। केवट की यहां निष्कामता है, इसलिए भगवान स्वयं आए मांगने के लिए। परंतु केवट बैठा रहा और कहता है कि भगवान, मैं आपका मरम जानता हूं, कह ही तुम्हार मरम मैं जाना। आपकी श्री चरण रज जो है वो मनुष्य बना देती है। कितनी सुंदर बात कहा केवट ने। भगवान की चरण रज, सदगुरु की चरण रज मनुष्य बना देती है, मानवता प्रकट कर देती है। मैं आपको नाव में तभी बिठाऊंगा जब आपके चरणों की धूल को धो लूं, उसके पहले मैं नहीं बिठाऊंगा। इतने में केवट के बेटे ने कहा कि पिताजी, इनके चरणों में जादू तो है ही, इनके हाथों में भी जादू है। कठोर धनुष को छूते ही वह धनुष टूट गई। सदगुरु जिसका स्पर्श करते हैं, उसका अहंकार खंडित हो जाता है। पिताजी, इनको बिठाना योग्य नहीं है, मत बिठाना। केवट कहता है कि भगवान, ये नाव ही मेरी आजीविका का हेतु है, और मैं बिना चरण प्रक्षालन किए आपको नहीं बिठाऊंगा। आपने अपनी चरण रज पत्थर पर डाली, चरण स्पर्श पत्थर को कराया तो नारी बन गई। मेरी नाव तो उससे नरम है, और पानी में रहते रहते और नरम हो गई है। फिर मैं घर पर क्या जवाब दूंगा, अपने पत्नी को क्या समझाऊंगा? लक्ष्मण जी ने कहा, केवट भगवान को समझा सकता है, पर परिवार को नहीं समझा सकता। केवट ने कहा, नहीं, भगवान को समझाना मनाना बड़ा आसान है, पर संसार को नहीं। संसार को समझाने का कारण, समझाने का कार्य सद्गुरु करते हैं। भगवान भी समझा नहीं सकते, सद्गुरु ही समझा सकते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट चरण धोने की ही बात है तो धो लो, मना किसने किया, बहुतों ने धोए हैं। केवट कहता है कि प्रभु, जिन्होंने बिना पूछे धोए होंगे उनको खुद को गरज होगी, उनको पार होना होगा। आज तो आपको पार होना है, इसलिए जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक मैं चरण नहीं धोऊंगा। मोही पद पदम पखार कह हो, आप कहो कि मेरे चरण धो लो, तभी मैं धोऊंगा। और हां,
आप तीनों लोग हैं, आप लोग आपस में विचार कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं यहीं बैठा हूं, जब आप कहेंगे तभी मैं धोऊंगा। भगवान बड़े संकोची हैं, कैसे कह दें कि श्री चरणों को धो लो। केवट कहता है कि भगवान संकोच न कीजिए, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, और वैसे भी आप लोगों के पास है ही क्या कुछ देने के लिए, सच में मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, बस चरण धो लेने दीजिए। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं राजा दशरथ की कसम खाकर कहता हूं उतराई नहीं लूंगा। अब पिताजी का नाम सुनते ही लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठे, केवट क्या बकवास कर रहे हो, हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, और जब आप कहोगे तभी धोऊंगा, और हद तो तब हो गई जब तुमने हमारे पिताजी का नाम ले लिया। क्रोध की आवेश में लक्ष्मण जी ने तरकश से तीर निकाल लिया और धनुष पर संधान कर दिया। केवट वैसे ही बैठा बैठा राम जी की ओर निहार रहा है, कहता है आप लोग मुझसे मांगने आए थे, हथियार दिखाकर कौन मांगता है, चलो अगर मुझे मारना ही है तो मार दो, परंतु इसमें हानि आपकी है और लाभ मेरा है, एक तो मैं गंगा किनारे मरूंगा, भगवान मेरे सामने खड़े हैं, और तीसरा है कि जब आप मेरा वध करेंगे तो मेरे परिवार वाले आएंगे और आपको भी मेरी स्मशान यात्रा में जाना पड़ेगा, और लोग कहेंगे कि चरण ही तो धोने के लिए कह रहा था और उसका वध कर दिया। लक्ष्मण जी, आपके प्रभु का अपयश होगा। लक्ष्मण जी ने चुपचाप तीर हटा लिया। बड़ी सुंदर सीख है यहां पर कि जहां पर निष्कामता होती है वहां पर काल की दाल भी नहीं गलती, काल का बाण भी हटा दे उसे निष्काम भक्ति कहते हैं। और इसी बात को भगवान ने गीता जी में कहा है कि नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। आशा रामायण में यही बात आती है कि वे न अकाल मृत्यु से मरते, सबका योग क्षेम वे रखते। राम जी ने केवट की अटपटी बातें सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। सुन के केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, हंसते हंसते राम जी सीता जी की ओर देख रहे हैं, मानो संकेत कर रहे हैं कि देखो जनक जी ने पैर का एक अंगूठा धोया तो उन्हें कन्यादान करना पड़ा, और ये केवट कैसा भक्त है कि दोनों श्रीचरण धोने की बात कर रहा है। फिर हंसते हंसते लक्ष्मण जी की ओर देखा, मानो वे कहना चाहते हैं कि यही केवट पूर्व जन्म में जलचर था, छोटा सा एक जल का प्राणी था, मैं शेष नाग पर सोया हुआ था, इसने सोचा कि मैं भगवान के चरण स्पर्श कर लूं ताकि मेरे जन्म सुधर जाए, ये मेरे चरण स्पर्श करने आया था, और शेष नाग के रूप में लक्ष्मण जी तुमने इसे अपने फन से दूर फेंक दिया, एक बार दो बार तीन बार आपने उसे उठा उठा कर फेंक दिया, इसकी मृत्यु हो गई, अंत समय में इसका अनुराग श्री चरणों में रह गया, और आज देखो ये परिस्थिति है, वही केवट बनकर आया है। कितना सुंदर संकेत है कि गुरु चरणों में अनुराग हो जाए बस भगवान खुद पास में आ जाएंगे। भगवान ने कहा सोई करो जे ही तब नाव न जाहे, केवट तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। केवट कहता है नहीं भगवान, साफ साफ कहो कि मेरे चरण धो लो। प्रेम के वश भगवान ने आखिर कह दिया कि बेगी आन जल पाए पखारो,
होत विलंब उतार हो पारो। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जल्दी करो, धो लो चरण, अब केवट उठा है, और सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। लक्ष्मण जी बोले, अरे भाई वहां कहां जा रहे हो? केवट ने कहा, घर जा रहा हूं, परिवार को भी साथ ले आता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान ने क्या कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? होत विलंब उतार हो पार, विलंब हो रहा है, जल्दी करो। केवट तुनकता हुआ कहा कि आप चाहते हो कि आपने बोल दिया और मैं तुरंत आ जाऊं। महाराज, हम तो सुबह शाम महासंकल्प करते हैं, रोज दिन में दो बार आपको बैठकर बुलाते हैं, फिर भी आप नहीं आते। इतने वर्ष बीत गए और आप चाहते हैं कि आपने बोल दिया और मैं तुरंत शुरू हो जाऊं। थोड़ा रुकिए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। केवट पत्नी के पास गया, कहता है कि आज बड़ा सौभाग्य है कि भगवान पधारे हैं, चलो उनके चरण धोने हैं। पत्नी घर में बर्तन देखती है कि अगर सोने का पात्र होता, चांदी का पात्र होता तो उसमें धोते, एक बर्तन पड़ा था वो उठाने लगी। केवट कहता है कि धातु का बर्तन जल को सोखेगा नहीं, लकड़ी का कठौता ले लेते हैं, उसमें चरणोदक पीने की क्षमता है, सोखने की क्षमता है, उसके बाद हम उस कठौते में रोज भोजन बनाएंगे, आटा गुथेंगे और रोज हम खाएंगे ताकि हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। केवट ने कठौते में सादा जल लिया और प्रभु जी के पास पहुंचा। भगवान बोले, गंगा जल नहीं लाए? महाराज, केवट कहता है, महाराज ये गंगा जी श्रीमंतों की है, बड़े लोगों की है, राजा भगीरथ के नाम से जुड़ी है, ब्रह्मा जी के कमंडलों में है, वो कितने बड़े इंसान, शिव जी की जटाओं में शोभा पाती हैं, शिव जी कितने बड़े हैं, मैं तो नई गंगा आज प्रकट करूंगा, जो दीनहीन और तिरस्कृत लोगों को तारेगी। इसी बात को भगवान शिव जी ने गुरु गीता में कहा कि गुरुदेव का प्रक्षालित किया हुआ चरण गंगा जल के समान है। अब केवट ने चरण धोना प्रारंभ किया। कितना सुंदर भाव है, इतने भाव में आंसू बहाए जा रहा है और प्रभु के चरण प्रक्षालित करते जा रहा है। भगवान ने टोका कि हो गया अब? प्रमाद में केवट ने कहा, हां हो गया। प्रभु ने चरण सीधे नीचे रख दिए। केवट कहता है कि प्रभु फिर से धूल लग गई, आपने तो पोछने ही नहीं दिया, अब फिर से धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, अब हो गए पार, धूल तो लगेगी ही, आज भगवान एक पैर पर केवट के समक्ष खड़े हैं। देवता लोग कहते हैं, भक्त तो कई देखे जो भगवान के आगे एक पैर पर खड़े रहते हैं, आज भगवान को देख रहे हैं कि भक्त के सामने एक पैर पर खड़े हैं। भगवान कहते हैं कि मैं एक पैर पर खड़ा हूं केवट, गिरने का डर है, यहां कोई सहारा नहीं है। केवट कहता है, प्रभु सहारे की क्या बात है, आपको सहारा चाहिए तो दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लीजिए। आज तक भक्त कहता है कि प्रभु मेरे सिर पर हाथ रख दो तो मुझे सहारा मिल जाए, केवट कहता है कि मेरा सिर पकड़ लीजिए तो आपको सहारा मिल जाएगा। केवट ने खूब भाव से भगवान के चरण धोए। अब केवट के पास इस संसार की सबसे अमूल्य वस्तु है, चरणामृत। भगवान ने कहा कि अब तो हो गया, अब चलो। केवट कहता है कि रुको प्रभु, अभी मेरे जो ग्रामवासी हैं ना, वो कतार में खड़े हैं, उनको मैं चरणामृत बांट दूं। केवट चरणामृत बांट रहा है। सीता जी कहती हैं लक्ष्मण जी से
कि चलो हम भी कतार में खड़े हो जाते हैं, क्या पता ये अटपटा भक्त हमें चरणामृत दे या ना दे, क्योंकि आज का पुजारी तो यही है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मां हम क्षत्रिय हैं, हम कैसे मांगने के लिए हाथ फैला दें। माता ने कहा चिंता न करो, ये मांगने की परंपरा तुम्हारे प्रभु ने आते ही शुरू कर दी। आते ही केवट से नाव मांगा, अब चलो। माता सीता और लक्ष्मण जी भी कतार में खड़े हैं चरणामृत पाने के लिए। भगवान ने कहा अब तो चलो केवट, सबको चरणामृत बट गया। केवट कहता है नियम नहीं तोड़ूंगा प्रभु इस घाट का, जो पहले आता है वो पहले पार जाएगा। भगवान ने कहा हम ही पहले आए हैं, नहीं प्रभु आपसे पहले मेरे पितर यहां पर आए हैं, आप पहले मंत्र पढ़िए, आप वशिष्ठ जी के शिष्य हैं, वशिष्ठ जी ने आपको समस्त मंत्र कर्म कांड आदि सिखाया है, आप मंत्र पढ़िए, मैं अपने पितरों का तर्पण करूंगा तभी मैं आपको आगे ले जाऊंगा। भगवान ने और लक्ष्मण जी ने मंत्र पढ़े हैं और केवट ने अपने पितरों का तर्पण किया है। अब भगवान नाव में बैठ गए जाने के लिए उस पार। केवट अब नाव को धीरे धीरे और गोल गोल घुमा रहा है। भगवान कहते हैं कि केवट सीधे ले चलो, गोल गोल क्यों घुमा रहे हो। केवट ने कहा प्रभु आपकी माता कैकई ने, आपकी माता ने जब वनवास जाने के लिए कहा तब यह तो निर्धारित नहीं किया कि इस काल में इस तिथि में आपको यहां रहना है। ऐसा तो निर्धारित नहीं किया, तो आप मेरे नाव में बैठे हैं, मैं आपको निहार रहा हूं तो आपका क्या जाता है, आपसे तो उतराई भी नहीं लेनी है, तो आप बैठे ही रहिए। लक्ष्मण जी भड़क गए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्या उतराई नहीं लेनी है, अपने बाप दादाओं का तर्पण भी हम ही से करा लिया और कहता है उतराई नहीं लेनी है, तो कितना यह प्रेमिक प्रसंग है। केवट का यह प्रसंग कितना सुंदर है कि चरणामृत पाने के लिए उसने कैसी अटपटी बातें कही और भगवान राजी हैं। गुरुदेव गुरुदेव का चरणामृत हमें यहां पर सहज ही मिल जाता है। गुरुदेव को हम घंटों बैठे निहार सकते हैं, ऐसी करुणा और ऐसी कृपा गुरुदेव ने हम सब पर की है। जैसे केवट ने अपने प्रभु की अपनी ढंग से आराधना की, और कितना सुंदर है कि चरणामृत से खुद तो तारा, परिवार को भी तारा, पूरे गांव वालों को तारा और अपने पितरों को भी तार दिया। ऐसे चरणामृत की महिमा है। आइए आज गुरु पूनम के दिन पर हम भी अपने गुरुदेव का चिंतन स्मरण करते हुए अपने गुरुदेव का मानस पूजन करें। मानस पूजन की महिमा, नारद जी देवताओं के राजा इंद्र को बताते हैं। मानस पूजन की महिमा देवी भैरवी भगवान भैरव को बताती हैं। मानस पूजन की महिमा काग भुशुंडी जी पक्षियों के राजा गरुड़ जी को बताते हैं। मानस पूजन की महिमा पूज्य बापू जी हमें बताते हैं। मन ही मन अपने अंतः पटल पर गुरुदेव को हम बुलाएं, गुरुदेव का आवाहन करें। Thank you.
गुरुदेव अपनी उज्ज्वल कांति को लिए, उज्ज्वल आभा को लिए हमारे अंतः पटल पर विराजित हैं। हम श्री चरणों में बैठे हैं, हम गुरुदेव को निहार रहे हैं और गुरुदेव हमको निहार रहे हैं। हम गुरुदेव से आज्ञा मांग रहे हैं कि हे गुरुदेव, हमें आपके मानस पूजन करने की अनुमति प्रदान करिए। मानस पूजन में अपने स्वामी को खूब कीमती से कीमती वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। गुरुदेव ने हमें अनुमति दी, अब हम गुरुदेव के श्री चरणों को प्रक्षालित कर रहे हैं। जो ब्रह्मा जी को सौभाग्य मिला श्री चरणों को प्रक्षालित करने के लिए, जो भरत जी को सौभाग्य मिला, जो राजा जनक को सौभाग्य मिला, जो अटपटी भक्त केवट को सौभाग्य मिला, आज वही सौभाग्य हमारा है। हम गुरुदेव के श्री चरणों को खूब प्रेम से, भाव से प्रक्षालित कर रहे हैं। ये वही चरण कमल हैं जिनमें हम आश्रय पाते हैं। ये वही आश्रयदाता चरण कमल हैं जिन्होंने हमें सुरक्षित रखा है। खूब प्रेम से प्रक्षालित करते जाएं। अब हम अपने गुरुदेव को पवित्र गंगा जल से स्नान करा रहे हैं। जो गुरुदेव हमें सदैव ज्ञान और भक्ति की गंगा से स्नान कराते हैं,
आज हम अपने गुरुदेव को भाव की गंगा से स्नान करा रहे हैं। कितनी सुंदर घड़ियां हैं, कितना सुंदर पल है। अब हम शरीर पहुंचने के लिए गुरुदेव को शुद्ध वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। शुद्ध वस्त्र पहना रहे हैं। आज हम अपने गुरुदेव को अपना मन पसंद वस्त्र पहना रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, खूब प्रेम से गुरुदेव को अलंकृत करें। जिन्होंने इस ब्रह्मांड को व्याप्त करके रखा है वस्त्र की भांति, व्याप्तम येन चराचरम अखंड मंडलाकारम, ऐसे निराकार ब्रह्म को जो साकार होकर गुरु रूप में आए हैं, ऐसे गुरुदेव को आज हम वस्त्र पहना रहे हैं। हे गुरुदेव, बलिहारी है आपकी, खूब धन्यवाद है कि आप हमारे बीच में आए हमारा उद्धार करने। अब हम अपने गुरुदेव को ऊंचे सिंहासन पर विराजित करा रहे हैं। हे गुरुदेव, हमारे विचारों के सिंहासन पर विराजिए, हमारे बुद्धि के सिंहासन पर विराजिए, हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजिए। कितनी सुंदर छवि है बापू की, वो घिंघुराले बाल, वो सफेद दाढ़ी, तेजस्वी मुखमंडल और ऊपर से गुरुदेव का मुस्कुराना। हम तो यहीं थम गए, अब आगे पूजन कैसे बढ़ाएं। Thank you.
हे जोगी, ये आपका मुस्कुराना। अब हम अपने गुरुदेव के तेजो में ललाट पर शुद्ध चंदन का तिलक कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को यह सौभाग्य मिला। आज वही सौभाग्य हमें भी है। आज हम अपने गुरुदेव के तेजो में ललाट पर शुद्ध चंदन का तिलक कर रहे हैं। हे गुरुदेव, हम तो अपने तन को शरीर को सजाते ही हैं, पर आज आपको सजाने में जो आनंद है उसका वर्णन ही नहीं। अक्षत चढ़ा रहे हैं। हे गुरुदेव, हे बापूजी, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति अक्षय बने। ये अक्षत चढ़ाने का यही भाव है। हमारी श्रद्धा में कभी क्षति न हो, भक्ति में कभी क्षति न हो। हमारी श्रद्धा भक्ति अक्षय बने। अब हम गुरुदेव को खड़ाऊं अर्पित कर रहे हैं, श्री चरण पादुका अर्पित कर रहे हैं, रत्न जड़ित स्वर्ण पादुकाएं हम अपने गुरुदेव को पहना रहे हैं। बड़ी सुंदर महिमा है इन पादुकाओं की। भरत जी ने कहा कि प्रभु मुझे आधार दीजिए। राम जी ने अपनी चरण पादुकाएं अर्पित कर दी। भरत जी ने सिर पर रख लिया। भगवान कहते हैं कि भरत, मैंने आधार दिया है, पर तुम्हारे सिर पर तो भार आ गया। भरत जी कहते हैं, प्रभु जब ज्यादा भार आता है ना, तो सिर पर आधार रखना पड़ता है। अब तक मेरे सिर पर अयोध्या का भार था, अब अयोध्या का भार इन चरण पादुकाओं पर है। हे प्रभु, ये पादुकाएं जब चित्रकूट में रहती तो आपके चरणों में रहती, जब अयोध्या में जाएंगी, चित्रकूट में रहेंगी तो आपके पद में रहेंगी, जब अयोध्या में जाएंगी तो आपके पद पर रहेंगी। ये चरण पादुकाएं आपके पद से अलग नहीं हो सकती। भगवान ने कहा कि भरत, तुमने तो मुझसे पनही मांगा था, जूती मांगी थी, पर मैंने तो खड़ाऊं दे दिया। भरत जी कहते हैं, प्रभु जूती पैरों को संभालती है और खड़ाऊं को पैर संभालते हैं, श्री चरण संभालते हैं। खड़ाऊं की जो खूंटी होती है उसे अंगूठे और उंगली से पकड़ा जाता है। हे प्रभु, मेरी विश्वास की खूंटी, मेरी श्रद्धा की खूंटी आप थामे रखना। हे गुरुदेव, हमारे विश्वास की खूंटी, श्रद्धा की खूंटी आप अपने श्री चरणों से थामे रहना। और भरत जी कहते हैं,
कि प्रभु जहाँ खड़ाऊ होती है वहीं आप चल कर आएंगे, खड़ाऊ नहीं चल कर जाएगी। इसलिए हमें विश्वास है कि ये चरण पादुकाएं जो व्यासपीठ के समक्ष रखी हैं, हे गुरुदेव, आप वहां स्वयं चल कर आएंगे और हमें कृतार्थ करेंगे। हमने गुरुदेव को श्री चरण पादुकाएं पहना दी। अब हम अपने गुरुदेव को सुंदर पुष्पों की माला एवं गजरे अपने हाथों से पहना रहे हैं। हे स्वामी, इन पुष्पों की भांति हमारा जीवन भी सेवा के रंग से रंगा हो, जिसमें भक्ति की सुवास हो, ज्ञान का रंग हो, ताकि इस जीवन रूपी पुष्प को हम आपके श्री चरणों में अर्पित कर सकें। गुरुदेव को हमने फूलों से सजा दिया। गुरुदेव के हाथों में गजरे, कंठ में पुष्पमाला, सिर पर फूलों का ताज, अब हम अपने गुरुदेव की मन ही मन आरती कर रहे हैं। जिन्होंने हमारे भीतर ज्ञान ज्योति प्रकटाई है, ब्रह्म ज्योति प्रकटाई है, ऐसे गुरुदेव की हम मन ही मन आरती कर रहे हैं। कितनी सुंदर घड़ियां हैं, कितना सुंदर पल है। आज मेरे गुरुदेव मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनकी आरती कर रहा हूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, हे करुणामूर्ति, अब हम अपने गुरुदेव को भोग लगा रहे हैं माखन मिश्री का। शिव जी कहते हैं कि अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म, गुरुदेव को कौन सा भोग पसंद है कि शिष्य के अज्ञान का भोग करना पसंद है गुरुदेव को। अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म, हम अपने भाव से अपने गुरुदेव को माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं। खूब प्रेम से गुरुदेव को जिमाते जाएं, खिलाते जाएं। आओ रसिया मेरे मन बसिया, आओ रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ भोग लगाओ
सिया शबरी के बेर सुदामा के तांदुल रुचि रुचि भोग लगाए मेरे मोहन दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए मेरे मोहन आओ आओ भोग लगाओ मेरे मोहन आओ रसिया मेरे मन बसिया आओ आओ भोग लगाओ रसिया पवित्र गंगा जल अर्पित कर रहे हैं आचमन के लिए आचमन आदि के लिए गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। अब गुरुदेव हमारे समक्ष बैठे हैं, गुरुदेव की हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। गुरुदेव हमारे सामने विराजित हैं, अब हम श्री चरणों में बैठ रहे हैं। गुरुदेव को निहार रहे हैं, हे स्वामी अब मानस पूजन तो हो गया, अब हमारे महासंकल्प का भी समय है। हे गुरुदेव बस अब कृपा करिए, ये पूजन हम आपके प्रत्यक्ष हाजिरी में करें, इसकी कृपा करिए। लौट आइए गुरुदेव, चले आइए बापू, यही हमारी प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए। हे स्वामी हम क्या आपकी सेवा करेंगे, जो सेवा आप हमारी करते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, उसके गंदगी से घृणित नहीं होती, उसके दोषों से घृणित नहीं होती, अपितु उसकी सेवा करती है और उसे स्वच्छ बनाती है, ऐसे ही गुरुदेव आप हमारी सेवा करते हैं, हम आपकी क्या सेवा कर पाएंगे। आप स्वामी भी हैं और सेवक भी हैं। हे गुरुदेव अब चले आइए, अब विलंब ना करिए बापू। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। ओम ओम बापू जल्दी बाहर आए। बैठे हैं हमारे बापू हमारे सामने, कहते जाएं उनसे अपने मन की बातें, पुकारते जाएं अपने गुरुदेव को।
कि चलिए गुरुदेव, पकड़ लें हाथ अपने गुरुदेव का और उन्हें ले आए। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। आज गुरु पूर्णिमा के दिन पर आपके दर्शन नहीं, आपका सानिध्य नहीं, अब तो कुछ दया करिए गुरुदेव, लौट आइए, चले आइए बापू। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। हे स्वामी, इस गुरु पूर्णिमा पर हम आपको क्या अर्पण करें? जोगी, हम खुद झोली फैला कर आए हैं आपके द्वार पर, खुद झोली फैला कर हम बैठे हैं आपके चरणों में। हे गुरुदेव, आप चले आइए, हम इस गुरु पूर्णिमा पर कुछ आपको देने नहीं, आपसे मांगने आए हैं। हमारी झोली भर दीजिए बापू। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। चले आइए गुरुदेव। कई वर्ष बीत गए बापू, ओ बापू जल्दी बाहर आए। आ जाइए, आज तो गुरु शिष्य का पर्व है। हे स्वामी, आज हमारे भी सुन लीजिए। आ जाइए गुरुदेव, हमें मनाना नहीं आता बापू, हमें पुकारना नहीं आता, विरह में तेरे तड़प रहे हम, याद आए तेरा प्यार, याद आए तेरा प्यार। आए
जोगी। वो आपका रेलगाड़ी चलाना, वो आपका मधुमेह प्रसाद लुटाना, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में धुन पर नाचना गाना। हे स्वामी ये आपका प्रेम ही तो है जो मधुर लीला आपने राम जी के काल में की, कृष्ण के काल में की, जो मधुर सानिध्य उन्हें प्रदान किया, यह आपकी करुणा ही है गुरुदेव, आपने हमें भी प्रदान किया। पर स्वामी अब और वंचित न करिए और विलंब न करिए, बापू चले आइए लौट आइए जोगी। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आए। बापू जल्दी बाहर आए। ओ ओ ओ बापू जल्दी बाहर आए। पकड़ ले उन श्री चरणों को, जिद करें आज अपने जोगी से, अपने गुरुदेव से, कब आ रहे हो, चले आओ। ओ ओ ओ बापू जल्दी बाहर आए। हमारे गुरुदेव दीर्घायु हों, चिरंजीवी हों, सदैव स्वस्थ रहें, ऐसी भावना और संकल्प के साथ हम श्री धर्मराज मंत्र का जप करेंगे। अस्य श्री धर्मराज मंत्रस्य ओम अस्य श्री धर्मराज मंत्रस्य वामदेव ऋषि वामदेव ऋषि गायत्री छंदः शमन देवता शमन देवता अस्माकं सद्गुरुदेवस्य अस्माकं सद्गुरुदेवस्य संत श्री आशाराम जी महाराजस्य संत
श्री आशारामे महाराजस्य उत्तम स्वास्थ्यर्थे जपे विनियोगः ॐ क्रौं ह्रीं वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः 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 ॐ क्रौं ह्रीं
आरती करेंगे। अभी दर्शन के लिए आगे ना जाएं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हर्तुमे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। बापू जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। बापू जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। चरण में पड़े उद्धार कीजिए। शरण में पड़े हैं उद्धार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। नैनों के दीपक में संजोए भक्ति भाव की बाती। आंसुओं का तेल भरा उम्मीद की लौह जलाती। आंसुओं का तेल भरा उम्मीद की लौह जलाती। ये ज्योत हृदय की उजियार कीजिए। ये ज्योत हृदय की उजियार कीजिए। बापू जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। बापू जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। तरस रही अखियां व्यथित हुआ मन। तरस रही अखियां व्यथित हुआ मन। लगी हुई है दिल को दर्श की लगन। अब देखे शीघ्र दर्शन कृतार्थ कीजिए। अब देखे शीघ्र दर्शन कृतार्थ कीजिए। जोगी जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। जोगी जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। जग में भटक रहे हैं दर दर ठोकर तुम बिन खाते। जग में भटक रहे हैं दर दर ठोकर तुम बिन खाते। याद है आती हमको गुरुवर की वो प्यारी बातें। याद है आती है वो गुरुवर की वो प्यारी बातें। मिले गुरु दीदारे उपकार कीजिए। स्वामी जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। स्वामी जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। जीवन की ये काली रातें तुम बिन ऐसे बीते। जीवन की ये काली रातें तुम बिन ऐसे बीते। चांद दर्श बिना चातक जैसे रह रीते। दर्शन हमको उबार लीजिए। अब देखे दर्शन हमको उबार लीजिए। साईं जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। साईं जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। जैसे भी हैं तेरे ही हैं सारा जगे जाने। जैसे भी है तेरे ही
जहां को छोड़ के बापू तुमको अपना माने, सारे जहां को छोड़ के बापू तुमको अपना माने। व्यथा मेरी प्रभु जी अब देख रीजिए, व्यथा मेरी प्रभु जी अब देख लीजिए। प्रभु जी मेरी यार बातें होती जब हम संग जोगी के होते, प्रभु की बातें होती जब हम संग जोगी के होते। बिन तेरे है बापू हम सब हर पल है कुछ खोते, बिन तेरे है बापू हम सब हर पल है कुछ खोते। आके हमको खुशियाँ बेशुमार दीजिए, आके हमको खुशियाँ बेशुमार दीजिए। बापू जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए, बापू जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। जोगी जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए, जोगी जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। बापू जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए, बापू जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। स्वामी मोहिना विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को बेनती सुना हो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ, 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 ओ। साधक मांगे मांगना प्रभु दी जो मोहे दो, बापू हमारी स्वस्थ रहे आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ, 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 ओ। ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि हरिं परम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।